हुकूमती सतह पर जब भी फैसले लिए जाते हैं तो ये सोच कर लिए जाते हैं कि कोई भी तबका मुतासिर ना हो। तनख्वाहदार तबका खास तौर से मुल्क का बजट जब हुकूमती सतह पर पेश होता है तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मुलाजमीन के साथ उल्टा हुआ। अब मुल्क के हालात भी ऐसे हैं, आप कह सकते हैं एक किस्म का बहरान है। यही वजह है कि बाकी लोगों को साइडलाइन करके, अगरचे कहीं पर चीज़ें मुतासिर हो भी रही थी तो उनको कंट्रोल में करने की कोशिश हुई, मगर मुलाजमीन की तनख्वाहों में तख़फीफ कर दी गई, कमी कर दी गई, कटौती कर दी गई, और ये फैसला तालिबान हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर लिया गया है। मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारे बड़े फैसले लिए और उनमें से अब तक का बड़ा फैसला ये है, सरकारी सतह पर जो लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाहों में बढ़ोतरी के बजाय, क्योंकि बजट जो है वो वक्ती तौर पूरा नहीं हो रहा था, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें वो सोच के ये फैसला लिया गया। 2021 में कायम होने वाली ये जो तालिबान की हुकूमत है, जो मैं इनका ऑर्डर स्टेटस पर पा रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और एक कम से कम ये पता चल पा रहा है कि इस वक्त हुकूमत ने बाकायदा ख्वातीन के काम करने पर पहले पाबंदी आयद की, इसके बाद अब ख्वातीन की तनख्वाहों में भी कमी कर दी। और पहले तो जो नॉन कन्फर्म्ड रिपोर्ट्स थी, और उसके बाद मैंने टूलो न्यूज़ के ज़रिए भी इसकी तस्दीक की, थोड़ी सी रिसर्च की, तो पता चला कि टूलो न्यूज़ या टूलो न्यूज़ जो भी आप कहें, अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है, जो बताता है कि ख्वातीन जो घर रहती हैं, दफ्तर नहीं जाती, इनकी माहाना तनख्वाह 5,000 अफगानी यानी 20,000 पाकिस्तानी है, और ये तकरीबन इसी हिसाब से 15-16,000 के आसपास भारत का भी बनता है। ख्वातीन को अलग अलग मकामात पर काम करने की इजाज़त दी गई है, जैसे कि सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल में इन महिलाओं को, इन बच्चियों को अपनी पोजीशन के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी। और रिपोर्ट से भी बताती हैं कि इससे पहले अफगानिस्तान की जो सरकारी महकमे थे वहाँ काम करने वाली ख्वातीन की तनख्वाह तकरीबन 35,000 अफगानी यानी 1,37,000 पाकिस्तानी और तकरीबन 1,00,000 के आसपास भारतीय बनती है, और बशमूल उन ख्वातीन जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। तो साथ में जब हमने मज़ीद रिपोर्ट्स के ज़रिए तस्दीक करने की कोशिश की तो अल जज़ीरा जैसी बड़ी न्यूज़ एजेंसी भी इसकी तस्दीक कर रही है कि इदारों में काम करने वाली ख्वातीन की तनख्वाहें पहले 20,000 अफगानी थी, जिसे तालिबान हुकूमत ने आने के बाद कम करके 15,000 अफगानी कर दी। यानी अब जो ख्वातीन जिस हिसाब से काम कर रही हैं, एक तो घर बैठी कई ख्वातीन हैं वो जो एबसेंट भी कहलाती हैं, उनकी भी तनख्वाह कम करने का फैसला, फिर वो मुलाजमीन जो सरकारी कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाकी इदारों में काम करती हैं, अस्पतालों में काम करने की इजाज़त है, जिस हिसाब से वो काम कर रही हैं एज़ पर देयर पोजीशन, ये तनख्वाह देने का फैसला हुआ। और 5,000 अफगानी या 20,000 जो पाकिस्तानी माहाना तनख्वाह बनती है, इन ख्वातीन को जो अक्सर दफातर में नहीं रहती हैं या काम से काम कम करती हैं, तो पोजीशन या स्टेटस के हिसाब से तनख्वाह देने का फैसला ये डिसाइड किया गया है अफगान हुकूमत की जानिब से तालिबान ने।